पटना यूनिवर्सिटी बात करेंगे पीजी नाम के, दोस्तों बहुत बड़ा बेटे यहाँ पर आ गई है, बताएंगे बुझ जाएंगे आज के इस वीडियो में आपके पूछे गए सारा सवालों का मैं जवाब भी दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है यहाँ पर कि पटना यूनिवर्सिटी में पीजी की जो नामांकन है, यहाँ पर बात करेंगे 2 वर्षीय कोर्स 24 से 26 के सत्र में रेगुलर एन आई एम एस एम कॉम में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई तक डेट है, 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल पोर्टल यहाँ पर ओपन है। अप्लाई करने के लिए 1100 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं और सभी कास्ट कैटेगरी सभी को। और उसी के साथ बात करें पटना यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर देख पा रहे फर्स्ट मेरी जारी कर दी पीजी में नामांकन के लिए, एमबीए के लिए भी यहाँ बात करेंगे सर 24 से 26 के लिए। तो देखो एमबीए में नामांकन के लिए फर्स्ट मेरी जारी हो गई है, कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो भी सेलेक्टेड है काउंसलिंग के लिए वो फर्स्ट प्रोविजन मेरिट्स में जिनका भी नाम आया है उनको ऑरिजिनल कॉपीज लेकर के जाना है और टेस्ट और सारा का फोटो कॉपी भी अटेस्ट करके उन 26 और बात करें 27 जून को यहाँ पर, ठीक है। एंड 5 जुलाई को यहाँ पर 26 और 27 जुलाई को जाएंगे गारंटेड वाले, अब 5 जुलाई को जाएंगे जो बच गए नॉन गारंटेड वो सभी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे नामांकन के लिए ध्यान दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नामांकन के लिए पीजी के लिए दोस्तों जिनको जो अप्लाई करें वो भी ध्यान रखिएगा। हार्ड कॉपी ऑन जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसका अच्छे से रखोगे अभी, और ओरिजिनल आपका जो भी यहाँ पर ये नहीं लगी तो एमबीए वाले के लिए मैट और सीमेट का स्कोर कार्ड और जो मार्कशीट लगे ग्रेजुएशन का ये तो आपको भी रखना है, रेगुलर वाले को भी पीजी रेगुलर ऑरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये दोनों को रखना है, पीजी रेगुलर वाले भी ऑरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हाँ दोनों को और कास्ट सर्टिफिकेट ऑरिजिनल, और यहाँ पे जो अप्लाई किया एडमिशन के ईडब्ल्यूएस कोटा में तो उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आधार कार्ड ऑरिजिनल और फोटो कॉपी भी, ऑरिजिनल एफिडेविट अगर सेशन गैप है तो एफिडेविट आपको लगेगी ही, नो वेकेंसी सर्टिफिकेट अगर कोई सी कहीं कोई जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयर है उसका, और कोर्स फी बात करें यहाँ पर एमबीए का 54,200 रुपये है, एडी आपको रखना है डिपॉजिट करना है ऑनलाइन 200 रुपया लगेगा स्टूडेंट यूनियन के लिए। बात करें सेट ऑफ ये सारे का टेस्ट से फोटो कॉपी आप अटेस्ट करके रखोगे डॉक्यूमेंट्स का बात करेंगे 1 से 9 तक का सभी का यहाँ पर आपको लेकर के जाना है काउंसलिंग के वक्त। और ये देख पाओ दोस्तों यहाँ पे गारंटेड मेरिट लिस्ट निकली है सभी का बात करेंगे, एमबीए में नामांकन के लिए 24, 26 सत्र के लिए पटना विश्वविद्यालय ने निकाला है, आई जनरल वालों का है। बात करें यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई है तो जीडी में 65 मार्क्स गया कट ऑफ, परसेंट रिव्यू 92 यहाँ पे गया है, सीमैट का मैट का स्कोर 680 था, टोटल यहाँ पे 837 कट ऑफ गई है देख पा रहे हो। तो सभी कैंडिडेट दोस्तों नाम यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी पे चेकआउट ऑफ जरूर कर लेना ध्यान से, ठीक है। और ये मेरिट लिस्ट है एमबीए वालों का, नॉन गारंटेड वाले का, नॉन गारंटेड वाले ये लिस्ट है, गारंटेड वाले ये लिस्ट है, समझ गए। अब पीजी में नामांकन लेने के लिए करना क्या था आपको दोस्तों, तो वेबसाइट यहाँ पर है pup.ac.in पे आ जानी, नहीं तो हमने टेलीग्राम से प्रैट लिंक दिया है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरे तो क्लिक कर दीजिएगा ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, इस पर आपको फटाफट क्लिक कर दीजिए, करने के बाद यहाँ पर लिंक आपको अवेलेबल है पीजी में नामांकन लिंक, इस पर क्लिक करोगे फिर साइनअप करोगे, ठीक है। साइनअप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके पहले दोस्तों प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस देख लो, सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है अपने आप को मोबाइल नंबर से, ठीक है। और क्या होगा फिर उससे आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे, फिर लॉगिन आपको जो डिटेल्स मिलेंगे मोबाइल नंबर पर, ठीक है, उससे आप लॉगिन करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करोगे सही से डेटा के साथ, और पेमेंट कर लेनी है, पेमेंट निकाल लेनी है एप्लीकेशन का, ठीक है। चलो तो साइनअप पे क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों, फिर आपको देख पा रहे डिटेल्स डालनी है, अपना नाम आपका फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट नेम है अगर मिडिल लास्ट नेम है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। मेरा नाम अभी से अभिषेक मान लीजिए अभिनय चौधरी हुआ तो मेरा फर्स्ट नेम अभिनय में डालूंगा, लास्ट नेम चौधरी है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल, जेंडर, किस फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो, साइंस के लिए सोच साइंस के लिए कॉमर्स के लिए ह्यूमैनिटीज़ के लिए, वो अपना चूज दोस्तों कर लो आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सारा ऑप्शन देगा देख पा रहे हो ये सारा, ठीक है। कोर्स चूज़ कर लोगे फिर डोमेस्टिक स्टेट किस स्टेट के रहने वाले हो, जाले से आप मान लीजिए जिस कोर्स में नाम के अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उस कोर्स का आपको यहाँ पर बात करें डोमेस्टिक स्टेट आप बिहार के रहने वाले हो ना, तो ये सारा चीज़ जिस स्टेट के भी रहने वाले हो तो आप उस कोर्स का दिखेगा, बात करेंगे आपका यहाँ पर कोर्स का नाम, कितना ड्यूरेशन का कोर्स है। हालांकि सारा कोर्स यहाँ पे पीजी का रेगुलर के 2 साल के ही रहेंगे, 4 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर का एग्जाम होगा। और क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले ऑनर्स का यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा, दूसरा प्रायोरिटी सब्सिडी पास कोर्स के लिए, थर्ड प्रायोरिटी अलाइड सब्जेक्ट के लिए। तो बस आपको पास ग्रेजुएशन पास आपने किया है, अगर बात करेंगे सब्सिडी में यहाँ पर अगर 55% मार्क्स है तो उसे आप सब्जेक्ट को ले सकते हो पीजी में, या ऑनर्स में 45% मिनिमम मार्क्स है तो उसे आप बात करें यहाँ पर पीजी में वो मेन कोर्स आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिर आपको साइनअप करनी है। हमने स्टेप बाय स्टेप पहले वीडियो बना दिया कैसे अप्लाई करनी है, पूरी जानकारी के लिए आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाए, टेलीग्राम चैनल के यहाँ पर आपको मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आके थ्री डॉट पर क्लिक कर लोगे यहाँ पर, देखो थ्री डॉट पर क्लिक कर दे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा नीचे आना, देखो पटना यूनिवर्सिटी का देख लो पीजी एडमिशन ये है, इस वीडियो को आप चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो ओपन हो जाएगा यूट्यूब से, तो इस वीडियो को चेकआउट आप कर ले, नहीं तो मैं इस वीडियो का लिंक राइट डाल दूंगा, इस वीडियो का मैसेज पिन कर दूंगा, फुल वीडियो है। इसके बाद करना क्या होगा, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका कुछ फैसिलिटीज लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे कैबिन डिटेल्स लिया जाएगा, फिर आपको आपके डिटेल्स का सारा डॉक्यूमेंट सपोर्ट करनी है, ठीक है, सब कुछ। फिर आपको जिस सब्जेक्ट में पीजी करना है वो सब्जेक्ट का आपको चूज़ कर लेनी है, फिर आपको पेमेंट कर देनी है, फिर पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेनी है, ठीक है। बस ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब भाई यहाँ पर आपके पूछे गए सवालों का जवाब देता हूँ। पहला कमेंट अभिषेक राज राज जी ने कमेंट किया है कि पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन कितना मार्क्स आना चाहिए। हाँ, बीपीयू से हैं, पी जूलॉजी करना चाहते हैं।
तो देखिए सबसे पहले देखो पटना यूनिवर्सिटी ये नामांकन हो रहा है मार्क्स पे, तो मार्क्स आपका जितना अच्छा हो नामांकन उतना फर्स्ट पेज उसमें। हालांकि मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 90%, अगर आप कहाँ बात करें 80 से 90% तक अगर मार्क्स से देना आपका फर्स्ट पेज में आने का पूरी चांसेस है, ठीक है। 90% अगर मार्क्स से 90% के आसपास 88-89 देन आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगी, नहीं तो आप रखिए 87-88, अगर आपका मतलब ये 75 या 80% अगर मार्क्स है तो आपका गारंटेड हो जाएगा आराम से, ठीक है। अगला यहाँ पे कमेंट सृष्टि कुमार जी कमेंट किया है कि मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन किया है तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल आपका एडमिशन हो सकता है, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बस आपको अप्लाई कर देना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है बस आपके पास मार्कशीट होना चाहिए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का, ठीक है, आपको उसी से अप्लाई करनी हो जाएगा। सब्सिडी फर्स्ट में क्या होगा? मेरा बी कॉम ऑनर्स है, देखिए तो बी कॉम ऑनर्स से सब्सिडी फर्स्ट में आपका सब्सिडी क्या था, आपको जो भी सब्सिडी है पेपर है जैसे सब्सिडी को उसमें दो ऑप्शन दिया गया है, सब्सिडी पेपर वन और सब्सिडी पेपर टू का। तो आपको जो सब्सिडी पेपर है पेपर वन है तो पेपर वन में डालिएगा, पेपर टू है तो उस ऑप्शन को पेपर टू में आप डालिएगा, समझ गए। अगर ज़्यादा किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और टेलीग्राम पर भी संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली चैनल के बॉक्स में लिख दिया गया है, फॉलो जो कर लेना एक बार आने से पहले। देख पा रहे हैं यहाँ पे बाबू जी ने कमेंट किया है, बाबू गुड्डू जी ने कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, क्या हिंदी लिटरेचर से पीजी कर सकते हैं? देखो अगर हिंदी बात करें आपका अगर सब्सिडी में है कोर्स, अगर आपके सब्सिडी में हिंदी है देन आप हिंदी से कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी सब्सिडी में होना चाहिए। अब बात करेंगे तनुजानंद सब्सिडी में हिंदी है या कंपोजिशन भी लिए हैं देन एलाइड सर्विस में उसको कंपोजिशन को डाल देना, तो प्रायोरिटी बहुत कम उससे आपको मिलेगी, पता है ना, क्योंकि पहले तो उसका लेगा जिनका बात करें ये हिंदी ऑनर्स होगा पहले उनको लिया जाएगा, उसके बाद प्रायोरिटी का सीटें बचेगी फिर आपका प्रायोरिटी होगा, ठीक। चलिए अगला है पे देखो कमेंट है, अनुजा ने कमेंट किया है कि जी वोकेशनल कोर्सेज का एडमिशन कब तक आएगी? देखिए बात करेंगे वहाँ पर अटना यूनिवर्सिटी में फिलहाल तो वोकेशनल की रिजल्ट यहाँ पे एडमिशन के जो वोकेशनल जो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री की रिजल्ट अभी जारी हो रही है, कुछ कुछ किस विषय की होने वाली, तो जैसे रिजल्ट जारी क्लियर होगी ना नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी नहीं, वेट कर लीजिए, आई थिंक 1-2 वीक बाद ही शुरू होगी, ठीक है। जैसे शुरू होगा मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अगला कमेंट यहाँ पे अबिदा जी ने कमेंट किया कि सर मुझे वैसे ब्लू करना है, उसका ऑप्शन नहीं, हाँ उसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो वोकेशनल कोर्स है, ठीक है। उसकी यहाँ पे बात करें नामांकन यहाँ पे शुरू होगी वोकेशनल कोर्स के साथ, ठीक है, ओके। तो उसमें अप्लाई आपका होगा, फिलहाल वेट करिए, अभी एडमिशन शुरू नहीं हुई है इस MSW में, सिर्फ रेगुलर कोर्स में नामांकन शुरू हुई है, MME से आपको में घबराइए नहीं, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपके स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे विकास अमन जी कमेंट किया है इंजीनियरिंग वाला केमिस्ट्री से पीजी कर सकते हैं? पीजी वाला केमिस्ट्री से हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगला यहाँ पे देखो है अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं पीजी पटना यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यस हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी, फिर बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी पीजी नाम को लेकर के, आपके पूछे गए सारा सवाल का हमने जवाब दे दिया, और भी कोई भी अगर सवाल हो तो कमेंट जरूर करना, उसका जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। ये थी अपडेट, वीडियो को लाइक करिए, आगे की वीडियो पाने के चैनल से बने रहिए, और इसी टेक्नोलॉजी पर हमें डाल दिया है अप्लाई करने का लिंक, आपको यहाँ से लिंक देखने को मिल जाएगी।